यस बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोग ये कंप्लीट कर चुके थे मेंडलिज्म या मेंडलवाद, द्विसंकर संकरण और उससे संबंधित सारी बातें, स्वतंत्र व्यू उनका पूरा विश्लेषण कर चुके थे। कोशिका विभाजन के आधार पर भी अपन ने उसको पढ़ लिया था। अब हम मेंडल पश्चवंशागति की बात करेंगे, मीन्स पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल के मृत्यु के बाद या मेंडल ने अपना काम कर दिया उसके बाद क्या क्या चीज़ें खोजी गई जेनेटिक्स के अंदर। तो देखो, पोस्ट मेंडलिज्म यानी मेंडल पश्च वंशागति की बात करें तो बच्चों, मेंडल पश्च वंशागति के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं निकलकर सामने पोस्ट मेंडल के अंदर। एक तो एलीलिक या एलीलीय अन्योन्य क्रियाएं, एलीलिक क्रियाएं या एलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है, और दूसरी नॉन एलीलिक, नॉन एलीलीय क्रियाएं, नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस। दोनों को समझें। जैसे एलीलिक इंटरेक्शन किसे कहेंगे, जैसे ये कोई एक गुणसूत्र है, चूंकि हम द्विगुणित हैं, द्विगुणित 2n, तो हमारे अंदर हर एक गुणसूत्र एक जैसा कितनी बार है, दो बार। जैसे मान लो ये गुणसूत्र नंबर एक है तो ये भी गुणसूत्र नंबर एक है, तो दोनों गुणसूत्र आपस में क्या कहलाएंगे, समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र हैं ये। समजात गुणसूत्र का कारण क्या है भाई, इनको समजात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके समान लोकस पर जो जीन है ना वो एक ही लक्षण से संबंधित है, वो एलीलीय कहलाएंगी आपस में, सेम लोकस पर प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएंगी, एलील कहलाएंगी अपने आप। समझ में आई? मान लो गुणसूत्र नंबर एक, गुणसूत्र नंबर दो, एक और पांच के बीच में जो आपस में अन्योन्य क्रिया होंगी, मतलब जो असमजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एलील्स के बीच होती हों, वो कहलाएंगे नॉन एलीलिक क्रियाएं। तो वो तो चलो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, एलीलीय क्रियाएं। क्यों, इन्हीं को बच्चों मेंडल का अपवाद मानते हैं, मेनली क्यों मानेंगे इनको मेंडल का अपवाद, समझे, क्योंकि मेंडल ने अपनी वंशागति के अंतर्गत एलील्स की अन्योन्य क्रियाएं ही बताई थी। मेंडल ने यही तो कहा था कि कोई भी लक्षण एक जोड़ी कारकों द्वारा प्रदर्शित होता है, मतलब पेयर्ड फैक्टर्स के द्वारा, कारक जो होते हैं वो जोड़ी में उपस्थित होते हैं, एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है, अगर वो अलग अलग टाइप के हैं दोनों प्रभावी हो सकते हैं दोनों अप्रभावी हो सकते हैं, मतलब वो समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित एलील्स की ही बात कर रहा था मेंडल। मेंडल के कारक ही तो आगे चल के जीन या फैक्टर जो है वही तो एलील कहलाए, तो ठीक उसी तरीके से उनके बीच की क्रियाएं हैं, लेकिन ये वो क्रियाएं हैं जो मेंडल अपने जीते जी नहीं खोज पाया। समझ में, यहां आपको वो बिंदु भी सामने निकल के आएगा जिसमें अल्फ्रेड रसेल वालेस और जो उस जमाने का बड़ा साइंटिस्ट डार्विन, चार्ल्स डार्विन था, उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि वंशागति होते वक्त लक्षण आपस में मिश्रित हो जाते हैं, उन लक्षणों का मिश्रण हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है, जबकि मेंडल मानता था कि उसके जो कारक होते हैं वो अनब्लेंड होते हैं, मतलब अमिश्रित होते हैं, लक्षणों की मिक्सिंग नहीं होती, इसीलिए तो उसने डोमिनेंस की खोज की थी, प्रभाविकता की। अब यहाँ हमें प्रभाविकता के अपवाद देखने को मिलेंगे कि मेंडल का प्रभाविकता का जो नियम है वो क्यों गलत साबित हो सकता है। चलो देखते हैं क्या क्या अपवाद हो सकते हैं प्रभाविकता के। तो यहाँ पर एलीलिक क्रियाओं में मैं आपको पांच तरह की क्रियाएं पढ़ाऊंगा बच्चों। एक जिसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविकता। एक बोलूंगा मैं को डोमिनेंस, सह प्रभाविकता। एक मैं बोलूंगा प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म या प्लियोट्रोपी यानी बहु लक्षण या बहु प्रभाविकता, बहु लक्षणीय प्रभाव या बहु प्रभाविकता। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक जीन एक से ज्यादा लक्षण कंट्रोल कर पाएगी, नियंत्रित कर पाएगी, अभिव्यक्त कर पाएगी, और मेंडल जनरली कहता था एक जीन से एक ही कैरेक्टर कंट्रोल होता है, एक ही लक्षण का नियंत्रण होता है, तो इसको बहुलक्षणीय वंशागति या बहुप्रभाविकता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आएगा मल्टीपल एलीलिज्म, बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति यानी एक से ज्यादा दो और दो से भी ज्यादा एलील हो सकते हैं जनसंख्या के अंदर, ये बताएगा, ये छोटी सी चीज है। और नेक्स्ट होगा लीथैलिटी,
लीथैलिटी जिसको अपन हिंदी में कहेंगे घातकता या घातक जीन प्रभाव, ये पांचों की पांचों एलीलीय क्रियाएं हैं, अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि इनको अपन क्या भी कह सकते हैं, फ्लो चार्ट में ही बताया था मैंने, अंतरा जीनीय, अंतरा जीनीय क्रियाएं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, ये पढ़ रहे हैं अपन, मतलब जीन्स के बीच, एलील्स के बीच, मतलब समजात गुणसूत्रों के बीच, मतलब जो आपस में किस पर हो, समान लोकस पर उपस्थित हो, समान लोकस समझते हो, लोकस कैसे कहते हैं, टर्म्स में पढ़ाया था मैंने, गुणसूत्र पर किसी जीन का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, लोकस, पोजीशन जो होती है क्रोमोसोम पर किसी जीन। तो चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट को और प्लियोटोपिस मल्टीपल एंड लीथेलिटी, सबको हिंदी अनुवाद के साथ नोट कर लो, इतना मिटाता हूँ। तो मेंडल पश्च की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से अपवाद ही होंगे ये मेंडल के, क्यों, क्योंकि मेंडल अपने जीती जी जिन चीजों को नहीं खोज पाया और अपने नियम बना दिए, तो उनके अपवाद बाद में खोजे गए, और बाद में जो अपवाद खोजे गए उन्हीं को मेंडल पोस्ट इनहेरिटेंस के नाम से भी पुकारा गया। तो चलिए सबसे पहला अपन इसमें पढ़ते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखते हैं भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविकता क्या है। यहां पर एलील, वो भी कैसी, असमान, असमान एलील के युग्म यानी जो पेयर है में प्रभावी एलील पूर्ण रूप से अप्रभावी एलील को, अप्रभावी एलील के प्रभाव को संदमित नहीं कर पाती, यानी कि डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में जो रेसेसिव एलील है वो पूरी तरीके से संदमित या सप्रेस नहीं होती। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात रिसेसिव वाली यानी कि जो अप्रभावी एलील है, अप्रभावी एलील भी कुछ मात्रा में अपना प्रभाव, अपना प्रभाव प्रकट करती है, कुछ मात्रा में ये भी अपना प्रभाव प्रकट करेगी। इससे क्या होगा भाई, अब वहां मेंडल के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा था, देखो आप मेंडल के अकॉर्डिंग बात करें अगर अपन, तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा था कि जो F1 संकर है, F1 संकर केवल दोनों में से, दो पैतृक थे ना, दोनों में से किसी एक पैतृक से, किसी एक ही पेरेंट से क्या दर्शाता था, समानता, समानता रखता है। मेंडल के अकॉर्डिंग तो ये हो रहा था, F1 संकर केवल किसी एक ही पैतृक से समानता रखता था, जैसे कि आपने देखा होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस किया, स्मॉल टी के बीच, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो ये केवल एक ही पैतृक से क्या दर्शा रहा था, समानता, क्योंकि ये भी लंबा है और ये भी F1 संकर भी कैसा है, लंबा है, तो एक ही पैतृक से समानता हो रही थी, तो मेंडलवाद था। इसका रीजन क्या दिया मेंडल ने, प्रभाविकता, डोमिनेंस। मेंडल ने बताया कि जब विषम युग्मजी जोड़ा होता है ना एलील्स का, तो उस जोड़े में एक एलील प्रभावी वाली जो होती है वो पूरी तरीके से अप्रभावी के प्रभाव को निरस्त कर देती है, जिस वजह से केवल एक प्रभावी एलील का ही फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अभिव्यक्त हो पाता है और जो प्रभावी वाले पैतृक से समानता रखता है। क्लियर। अब अपूर्ण प्रभाविकता के केस में अगर देखें तो ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या चेंज आ गया, इसमें परिवर्तन ये आ गया कि F1 संकर जो होगा, जो F1 हाइब्रिड होगा, ये वाला जो भी उदाहरण होंगे उनकी बात हो रही है, F1 संकर दोनों में से किसी पैतृक से भी मेल नहीं खाएगा, किसी पैतृक से समानता नहीं रखेगा। जो F1 संकर होगा ना, वो दोनों पैतृकों में से किसी भी पैतृक से मेल नहीं खाएगा, मैच नहीं करेगा या समानता नहीं रखेगा। अर्थात फिर कैसा बनेगा वो,
अर्थात सिंपल सी बात है, एफ वन संकर कैसा बनेगा भाई? एफ वन संकर बनेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को मैं लाल रंग से जरूर दर्शाऊंगा, मध्यवर्ती प्रकार का होगा। मध्यवर्ती किस वजह से बना होगा? ब्लेंडिंग हो जाएगी लक्षणों की। ब्लेंडिंग का मतलब दोनों का मिश्रण हो जाएगा, दोनों का मिश्रण, दोनों लक्षणों का। अर्थात संकर प्रकार का बनेगा तो लिख दूं मैं, अर्थात समझा देता हूं इसका मतलब। अर्थात संकर के या जो F1 संकर है उस संकर में दोनों दोनों पैतृकों के लक्षण मिश्रित होकर एक मध्यवर्ती, मध्यवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट, बीच का लक्षण प्रारूप यानी फीनोटाइप, मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप बनाते हैं। मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप बनाएंगे बच्चों मिश्रित होकर, तो इसीलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ब्लेंडिंग मिश्रण हो गया ना, मिश्रण, मिश्रण का मतलब ब्लेंडिंग। कैरेक्टर यानी लक्षण का मिश्रण हो गया तो कोई बीच का तीसरा ही कोई नया फिनोटाइप यहां पर निर्मित होगा, तो वो दोनों ही पैतृकों में से किसी से भी समानता नहीं दर्शाएगा, ये खास बात होगी। तो देख लो उससे डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया मेंडलवाद से। अब ये प्रभाविकता का अपवाद कैसे, चलो कुछ उदाहरण लेता हूं फिर इसको आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूं। एग्जाम्पल, जैसे पुष्प के रंग की बात करें, एक लक्षण है दो पादपों में, एक पादप तो हो सकता है जिसको अपन कहते हैं एंटीरिनम मेजस, और एक पादप जिसमें पुष्प का रंग मैं लूंगा अभी उसे अपन बोलेंगे मिराबिलिस जलापा। समझ में आई बात? मिराबिलिस जलापा, इसी पादप को बच्चों फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं, या इसी को एक नाम दूसरे वाले पादप का स्नैप ड्रैगन, या डॉग प्लांट या डॉग फ्लावर इसमें होता है, और इसको एंटीरिनम मेजस भी कहते हैं, इसको गुल ए बांस के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों पादपों के अंदर पुष्प का रंग, फ्लावर कलर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नतीजा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं यहां पर अगर आपके सामने व्यक्त करूं तो जो एंडोल्यूशियन, एंडोल्यूशियन फाउल यानी मुर्गे होते हैं ना, में पंख का रंग फेदर कलर इन एंडोल्यूशियन फाउल, ये दूसरा कैरेक्टर है। और तीसरा इसके अंदर मैं ले सकता हूं स्टार्च ग्रेन का साइज, यानी कि मटर के बीज में मंड कणों का आकार, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी, जो मटर का बीज होता है ना, मटर के बीज में मंड के कणों का आकार, मंड कणों का आकार, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना। स्टार्च ग्रेन साइज जो है वो किसका एग्जांपल है? अपूर्ण प्रभाविकता का। स्टार्च ग्रेन का साइज, मंड कणों का आकार मटर में जो पाए जाते हैं। चलो इनको समझते हैं विद एग्जांपल। अगर मिराबिलिस जलापा की बात करें तो देखो मिराबिलिस की बात करते हैं, समझते हैं मेंडल का अपवाद कैसे है। मिराबिलिस की बात करें तो देखो भाई, मिराबिलिस में सपोज मैं दो पादप ले रहा हूं पैतृक, एक तो रेड फ्लावर कैपिटल आर कैपिटल आल, लाल पुष्प वाला, और इसका क्रॉस अपन करवा रहे हैं स्मॉल आर वाले से, जिसको बोल रहा हूं मैं श्वेत पुष्प वाइट फ्लावर। तो इनके संकरण से जो F1 संकर पादप बनेगा, F1 पादप, वो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन खास बात ये है, अगर ये मेंडल के प्रभाविकता का पालन करता तो ये निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए था? इस पैतृक के जैसा लाल, बट ये कैसा होता है? गुलाबी।
पिंक फ्लावर बनता है, गुलाबी पुष्प, यानी बीच का मध्यवर्ती फिनोटाइप आया कि नहीं आया, दोनों के मिश्रण से आया कुछ नया ही। अब इसमें मैं स्वय परागण करवाऊं, सेल्फिंग, स्वय परागण करवाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से किया तो मुझे जो पीडी मिलेगी वो F2 मिलेगी और उसमें ये वाला जीन प्रारूप प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, जिसमें से ये जो दोनों होंगे ये कैसे होंगे, गुलाबी पुष्प वाले, एक होगा ये वाला लाल पुष्प वाला और ये एक होगा कैसा, श्वेत पुष्प वाला। तो मैं आसानी से क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो जीनोटाइप आएगा जीन प्रारूप और जो फीनोटाइप आएगा जिसे मैं कहूँगा लक्षण प्रारूप F2 PD में और साथ में जीन प्रारूप जीनोटाइप, अगर इनमें तुलना करूँ मैं आपस में तो देखो आप कितना आसान है आप समझना। F2 PD के अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो मेंडल के अकॉर्डिंग तो क्या आ रहे थे, लक्षण प्रारूप आ रहा था 3:1 और जीन प्रारूप आ रहा था 1:2। यहां देखते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आ रहा है, एक पादप लाल है, दो गुलाबी है और एक पादप सफेद है, यानी 1:2। और जीन प्रारूप क्या आ रहा है, कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो हैं और स्मॉल आर वाला अगेन एक है। तो यहां से संपूर्ण निष्कर्ष आपके सामने आ चुका है भाई कि ये कैसे मेंडल के प्रभाविकता का अपवाद है। बताइए मेंडल के प्रभाविकता का अपवाद कैसे है, ये खुद बोल दो अब तो। उसमें लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 आ रहा था, ये तीनों की तीनों लाल होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू प्रभाविकता, बट इनमें लाल तीनों नहीं है, 1:2:1 लक्षण प्रारूप आ रहा है, तो मेंडल से विचलन आपको समझ में आ चुका है। यही थी कहानी। यहाँ पर बताऊँ अगर मैं आपको, जैसे मटर में मंड के कणों के आकार की बात करता हूँ तो इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, लार्ज कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी। यहाँ पर इसमें तो बड़े आकार के मंड कण होंगे, इसमें छोटे आकार के मंड कण होंगे, छोटे कण, और ये मंड के कण कैसे होंगे, बड़े। इनके बीच में क्रॉस किया तो कैपिटल बी स्मॉल बी बना F1 संकर। ये जो मंड कणों का आकार है ना वो कैसा आया है, मध्यवर्ती, मतलब मध्यवर्ती आकार का मतलब देखो, ये बड़े वाले मंड कण, ये छोटे वाले मंड कण और ये वाला मंड कण ऐसा आया है, छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा, बीच का। तो ये क्या हुई, अपूर्ण प्रभाविकता हुई, किसी भी पैतृक से मैच नहीं कर रहा इसका फिनोटाइप, ये मंड के कण वाली कहानी है। समझ में आ गई बात। स्टार्च ग्रेन कहते हैं मंड कण को, क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन इन पी। आ गई बात समझ में। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसी में क्वेश्चन का जवाब दें आप। यदि मैं आपसे पूछूं मिराबिलिस में, मिराबिलिस पादप में एक गुलाबी यानी पिंक लिख देता हूँ ना, क्यों हिंदी लिख करके टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पिंक पुष्प वाले का क्रॉस श्वेत यानी वाइट पुष्प वाले पादप से करवाया, कराने पर उसने पूछ लिया नंबर एक लाल पुष्प वाले पादप कितने प्रतिशत मिलेंगे और दूसरा श्वेत कितने परसेंट मिलेंगे और तीसरा गुलाबी कितने मिलेंगे, कैसे करोगे भाई, करो। आपको पता होना चाहिए, उदाहरण याद होना चाहिए, मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविकता पाई जाती है तो गुलाबी कह रहा है, गुलाबी मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती का मतलब इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, सफ़ेद, सफ़ेद मतलब ये जीनोटाइप आ जाएगा, इनके बीच में क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस जैसा है, यानी कि इससे एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा और इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर का इससे करवा रहे हैं, तो एक तो ये बन गया एक ये बन गया, तो क्या बन गए, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सब जानते हैं ये कैसा बनेगा, गुलाबी, और ये कैसा बनेगा, ये बनेगा श्वेत, यानी कि आप अच्छे समझ गए, लाल पुष्प एक भी नहीं बना, यानी इसका आंसर आ गया 0%, श्वेत पुष्प दो में से एक यानी कि 50% और गुलाबी पुष्प दो में से एक यानी कि 50%। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है।
तो ये पहला अपवाद मेंडल का निपट गया, साइड में हट गया, पॉज करके लिख लो। और अब नेक्स्ट दूसरे पर आते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता की इस समाप्ति के पश्चात अब हम मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अपवाद के सिलसिले में अब दूसरा एक और इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, एक और वंशागति का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अपन एक दूसरा नाम देंगे और वो नाम होगा सहप्रभाविकता, या इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे कोडोमिनेंस। चलिए कोडोमिनेंस पर प्रकाश डालते हैं एक बार। सहप्रभाविकता दो नंबर, सह यानी कि कोडोमिनेंस, इंग्लिश में तो नाम पहले ही लिख दिया था मैंने, कोडोमिनेंस। बच्चों को का मतलब क्या होता है? को का मतलब, सह का मतलब दोनों साथ साथ, दोनों बराबर, यानी दोनों एलील्स को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसका मतलब परिभाषा तो सामने आ गई निकल के अपने आप ही, क्या इस प्रकार की वंशागति में क्या होगा, असमान एलील युग्म के दोनों एलील अपना प्रभाव समान रूप से प्रकट करते हैं। समान रूप से असमान एलील युग्म के दोनों एलील अपना प्रभाव जो है समान रूप से प्रकट करेंगे, दोनों एलील समान रूप से अपना प्रभाव प्रकट करेंगे भाई, ना कोई ज्यादा प्रभावी है ना कोई कम प्रभावी, ना एक अकेला प्रभावी ना दूसरा अप्रभावी, दोनों ही बराबर से प्रभावी हैं। इसका मतलब दोनों ही एलील कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, दोनों ही एलील बिल्कुल प्रभावी हैं, डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों एलील्स। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, जो F1 संकर होगा, अब देखो यहां से निकलेगा वो पॉइंट जो मेंडल से विचलन दर्शाएगा, अर्थात F1 संकर या जो F1 हाइब्रिड है वो दोनों ही पैतृकों से समानता दर्शाता है, ये निष्कर्ष निकला है। जो F1 संकर है वो दोनों पेरेंट से समानता दर्शाएगा, F1 संकर दोनों पैतृकों से समानता दर्शाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों से नहीं दर्शा रहा था, कोडोमिनेंस में दोनों से दर्शाएगा, और केवल प्रभाविकता में जो मेंडल ने कहा था डोमिनेंस, उसमें दोनों में से किसी एक ही पैतृक से समानता दर्शाएगा F1 संकर। तो देखो तीनों अलग अलग चीजें, तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपके। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मैं ले सकता हूं MN ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, दूसरा उदाहरण ले सकता हूं AB रक्त समूह, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनको खोजा था AB रक्त समूह को, और RH इनकम्पैटिबिलिटी वाले ब्लड ग्रुप को। नेक्स्ट तीसरा कैरेक्टर यहां पर मैं ले सकता हूं सिकल सेल दात्री कोशिका अरक्तता का वाहक, वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, वाहक की बात कर रहा हूं भाई, कैरियर की, रोगी की बात नहीं कर रहा, सामान्य की बात नहीं कर रहा, वाहक की बात कर रहा हूं। और तीसरा सिकल सेल एनीमिया का वाहक हो गया तीसरा, ठीक है। और फोर्थ वाले की बात करें, चौथा ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में बहुत, जो मवेशी होते हैं ना पशु, कैटल्स गाय, बालों का रंग, हेयर कलर, हेयर कलर इन कैटल्स, जैसे गाय के अंदर, चलो इसी को ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर और समझते हैं गाय में बालों के रंग को। जैसे मान लो एक गाय मेरे पास जिसके अंदर रेड कलर के बाल हैं, तो इसके मैंने मान लिए लाल बाल, रेड हेयर्स, इसका क्रॉस मैं करवा रहा हूं कैपिटल बी काले बाल से। तो यह इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, रिसेसिव तो होगी नहीं दूसरी एलील, अप्रभावी तो होगी नहीं ना, क्योंकि मैंने लिखा है दोनों ही एलील प्रभावी हैं, ये भी प्रभावी और ये भी प्रभावी,
इनकम्प्लीट में एक को रिसेसिव लिख रहा था, यहाँ रिसेसिव नहीं लिखूंगा दूसरे को। देखो क्रॉस करवाया, एफ वन संकर क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल बी आर बी, रोन रोन बोलते हैं इसको, यानी चितकबरी। चितकबरी का मतलब इसके शरीर पर जो बाल होंगे वो दोनों ही तरह के होंगे। ये गाय बना के दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, ये इस तरीके से, ठीक है। इस गाय के अंदर लाल लाल बालों के पैचेज होंगे, धब्बे पाए जाएंगे जगह जगह, और साथ के साथ में इसमें ब्लैक हेयर्स वाले पैचेज भी पाए जा रहे हैं इस तरीके से। ये इसकी पूंछ, तो ये चितकबरी गाय। तो देखो इसने लाल वाले पैतृक से भी अपने आप को समान दर्शाया, समानता दर्शाई, और इसने ब्लैक वाले पैतृक से भी समानता दर्शाई, दोनों पैतृकों में समानता दर्शाई। एक ही पैतृक से दर्शाता तो प्रभाविकता होती, तो मेंडलिज्म आता। ये मेंडल का अपवाद हुआ कि नहीं, एफ टू पी डी निकलवाते हैं ताकि हमें अनुपातों के आधार पर भी पता चले क्या मेंडलवाद है या उसका अपवाद है। तो इसमें एफ टू पी डी निकालने के लिए इसी का क्रॉस इसी से करवाया, कैपिटल आर कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल बी से करवाया गया। क्रॉस करवाया गया तो एफ टू जनरेशन निकली, और एफ टू जनरेशन के अंदर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बी कैपिटल आर कैपिटल बी और कैपिटल बी ये बने। इसके पूरे बाल कैसे थे, लाल बाल। इन दोनों की बात करें तो चितकबरी रोन, और इसकी बात करूं तो काले बाल। तो यहां से साफ साफ मैं बता सकता हूं कि जो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूपी अनुपात होगा, जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो और फीनोटाइपिक रेशो क्या आएंगे, फीनोटाइपिक अनुपात बताओ भाई क्या आएंगे। खुद देखो एफ टू पी डी में जीन प्रारूप अनुपात कैसे निकालोगे, कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर कैपिटल बी दो हैं, और इसमें कैपिटल बी एक है। फिनोटाइपिक लाल वालों वाली गाय एक, चितकबरी गाय दो, और काले वालों वाली गाय एक। यानी कि मेंडल से अगर तुलना करें तो फिनोटाइपिक अनुपात मेंडल के एफ टू पी डी में आ रहा था 3:1 लक्षण प्रारूपी अनुपात, और यहाँ सह प्रभाविकता के केस में लक्षण प्रारूपी अनुभाव विचलित हो गया, वहाँ से डेविएशन शो कर रहा है, 3:1 की जगह 1:1 आंसर आ रहा है। जीनोटाइपिक नो डाउट सेम है लेकिन विचलन हो गया, इसका मतलब वो मेंडलवाद का क्या है, अपवाद। तो ये भी मेंडल के प्रभाविकता का क्या है, अपवाद। कौन, कोडोमिनेंस। हो सकता है जोड़ी की दोनों एलील समान रूप से प्रभावी हों और अपना बराबर बराबर प्रभाव दर्शाएं। ऐसा ए बी रक्त समूह के केस में होता है। अगर इस उदाहरण को मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना ध्यान से तो देखना, ए बी रक्त समूह वाले को, कोई ए रक्त समूह वाला सदस्य है, ब्लड ग्रुप जिसका रक्त समूह क्या है ए, तो ये ए रक्त समूह वाला जो सजीव है इसके अंदर जीन प्रारूप क्या होगा, आई ए और आई ए ले लो संयुग्म जी है। तो ऐसी मैं कहूं बी रक्त समूह, बी ब्लड ग्रुप वाला कोई आदमी है तो बी रक्त समूह है तो उसके अंदर एलील क्या होंगी, आई बी, इनमें क्रॉस करवाया। तो अब देखना भाई इन दोनों में अंतर क्या है, ए रक्त समूह क्यों होता है और बी क्यों होता है, बी रक्त समूह क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि जो आरबीसी होती है ना इन इन सजीवों की, आरबीसी लाल रुधिर कणिका, इसकी सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है यानी कार्बोहाइड्रेट लगा होता है जिसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन। वो तो ए रक्त समूह बनवाएगी, और इस बी वाले की जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर भी एक कार्बोहाइड्रेट लगा है जो है केवल क्या, गैलेक्टोज। क्लियर हो गई बात। तो दोनों अपनी अपनी आरबीसी की सतह पर अपने अपने कार्बोहाइड्रेट लगाते हैं, इसलिए दो तरह के रक्त समूह है, दो तरह के एंटीजन्स है। क्रॉस किया, एफ वन हाइब्रिड बनाया, एफ वन संकर, तो उसके अंदर जीन प्रारूप आएगा आई ए आई बी, और ये जो रक्त समूह बनेगा इसे बोलेंगे ए बी रक्त समूह, ए बी ब्लड ग्रुप। अब इस ए बी ब्लड ग्रुप में सह प्रभाविकता ये कैसे सिद्ध हो रहा है, इस सजीव की आरबीसी देखोगे ना आप तो उसकी सतह पर दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे मिलेंगे आपको, दोनों ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होंगे इस पर, एन ए जी गैलेक्टोसेमीन भी होगा और इस पर गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन और गैलेक्टोज दोनों ही प्रेजेंट होंगे। दोनों प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप कैसा आ जाएगा, ए बी टाइप का आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसे अपन ए बी ब्लड ग्रुप बोल देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो हम बता सकते हैं, ये दोनों ही एलील्स ने
अपनी अपनी एंटीजेंस बनवाई, अपनी अपनी ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे बनवाई है आरबीसी की सतह पर। सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, देखो ये भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, ये होता है कौन, सिकल सेल एनीमिया का वाहक। तो इस केस में जो ए है, ए ये सामान्य हीमोग्लोबिन बनवाएगा, सामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा तो इसके अंदर सामान्य प्रकार की आरबीसी होंगी। सामान्य आरबीसी का मतलब होगा अवयव तल प्रकार की, सही है कि नहीं है, इस प्रकार की आरबीसी इसके अंदर बनेंगी जो कि एकदम नॉर्मल है। लेकिन एचबीएस वाला एलील भी अपना प्रभाव दर्शाएगा, इसीलिए सिकल शेप हाशियाकार, यानी कि जो सिकल दात्री जो होती है वैसी की वैसी आरबीसी बनेगी, यानी सिकल प्रकार की आरबीसी बनेगी। सिकल शेप्ड आरबीसी का मतलब इस टाइप की आरबीसी बनेगी। तो ये तो विकृत हो गया, विकृत हीमोग्लोबिन बनाएगी इस वजह से आरबीसी पाई जाएंगी, और ये सामान्य हीमोग्लोबिन बनाएगी इसलिए अव्याप्तल। यानी कि कोई पूछ ले सिकल सेल एनीमिया के वाहक के अंदर किस प्रकार की आरबीसी होंगी, तो आंसर आएगा वाहक के अंदर दोनों एलील्स उपस्थित हैं, सामान्य और असामान्य। ऐसी स्थिति में दोनों ही सहप्रभाविकता दर्शाएंगे, तो दोनों ही अपना प्रभाव दर्शाएंगे, तो दो तरह की आरबीसी बनेंगी, अव्याप्तल भी बनेंगी और सिकल शेप्ड भी बनेंगी। ये था बच्चों आपका कोडोमिनेंस। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बेहतरीन निष्कर्ष बताता हूँ मैं आपको। देखो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप एकदम सेम होते हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें, अपूर्ण प्रभाविकता, और मैं बताऊं तो सहप्रभाविकता, और मैं आपको बताऊं तो परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस। अगर इन तीनों में मैं लक्षण प्रारूप अनुपात ले लूं और जीन प्रारूप अनुपात ले लूं तो वो रेशो क्या निकलेंगे। अपूर्ण प्रभाविकता में लक्षण प्रारूप अनुपात निकलेगा 1:2:1 निकाल रखा है, और जीन प्रारूप भी 1:2:1 देख लो सेम आ रहा है दोनों का। सहप्रभाविकता में अभी भी निकाला है नीचे, लक्षण प्रारूप भी 1:2:1 और जीनोटाइप भी 1:2:1, और टेस्ट क्रॉस की बात करें तो उसमें लक्षण प्रारूप भी 1:1 और जीन प्रारूप भी 1:1। मतलब समझ में आया आपको, ये तीनों घटनाएं ऐसी हैं तीनों जिनके आपस में जीनोटाइप और फिनोटाइप एकदम क्या होंगे, हूबहू समान। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई अंतर नहीं होता इन तीनों घटनाओं में। देख लो जो इनका लक्षण प्रारूप है वही इनका क्या है, जीन प्रारूप। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवाने की इच्छा हो रही है क्योंकि जगह बच गई यहाँ पे, तो चलो एक प्रश्न देख लेते हैं बहुत ही शानदार। ठीक है, अभी एक पादप का नाम लिखा था मैंने मिराबिलिस जरापा। ठीक है, तो मिराबिलिस में लंबा पादप एवं गुलाबी पुष्प हैं। मिराबिलिस में लंबा पादप और गुलाबी पुष्प हैं जिसका जीन प्रारूप मैंने आपको दर्शा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो इसी पादप का स्वयं परागण कराने पर जो संतति बनेंगी उनमें जीन प्रकार का टाइप या जीनोटाइप अनुपात एंड फीनोटाइपिक रेशो लक्षण प्रारूप अनुपात दोनों बताने। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, मिराबिलिस जलापा। तो आप सब जानते हैं बच्चों मिराबिलिस जलापा जो पादप है इसके अंदर पुष्प के रंग को लेकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविकता पाई जाती है, और लंबाई जो है वो पूर्ण प्रभाविकता दर्शाएगी, जैसे मेंडल ने कैपिटल टी वाला लंबापन दर्शाया था। तो ये जो जीन प्रारूप दे रहा है ना सॉल्यूशन के अंदर, बात करें अगर अपन तो जीन प्रारूप दे रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें सबसे खास बात ये, इतना शानदार क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो जो विषम युग्मजी जोड़े हैं ना एलील के, उनमें से एक जोड़ा तो ऐसा है जो कैसा है, पूर्ण प्रभाविकता दर्शाएगा कंप्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जोड़ा जो है सेकंड पेयर ऑफ एलील जो है वो कैसा है, अपूर्ण प्रभाविकता दर्शाने वाला, अपूर्ण प्रभाविकता।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस दर्शाने वाला है दूसरा जोड़ा। समझ में आ गई बात? तो कैसे करोगे, एक में पूर्ण प्रभाविकता एक में अपूर्ण। अब आप क्रॉस करवाओगे, फिर उसकी संततियां बनाओगे 16, फिर उनमें से छांटोगे, बहुत वक्त लगेगा। पीएमटी इतना वक्त मांगती नहीं है। कॉन्सेप्ट लगाओ, मैंने आपको मेंडल का द्विसंकरण संकरण जब करवाता है, द्विसंकर संकरण डायबिड क्रॉस, तो उसमें गणितीय विश्लेषण के दौरान एक निष्कर्ष निकलवाया था बड़ा शानदार प्रायिकता को लेकर। जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है, जो संयुक्त प्रायिकता होती है किसी भी एक से ज्यादा घटनाओं से हो रहे इवेंट की, या एक से ज्यादा घटनाओं के सम्मिश्रण से हो रही घटना की, तो उस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं? जो अलग अलग एकल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग घटनाओं की जो प्रायिकता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का एक रूल होता है, वो निकल जाएगी। तो देखो, पूर्ण प्रभाविकता का रिजल्ट आप पहले निकाल लो। अगर मैं बात करूं लक्षण प्रारूप क्या होता है भाई, खुद ही देख लो। पूर्ण प्रभाविकता के केस में 3:1 आता है एक संकर संकरण में, और अपूर्ण प्रभाविकता के केस में लक्षण प्रारूप आता है 1:2:1, दोनों का गुणा कर दो, करो 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3, फिर 1, फिर 2, और फिर 1, ये आ गया आंसर, ये है फिनोटाइप। अरे अपने को ना क्रॉस करना पड़ा, ना चेकर बोर्ड बनाया, ना उसमें से चुनना पड़ा कुछ, सीधा उत्तर आ गया। मान लो यही मेंडल का द्विसंकर संकरण होता, तो ये भी पूर्ण प्रभावी होता, ये भी पूर्ण प्रभावी होता, तो ऐसी स्थिति में यहां अपन क्या लिखते, 3:1, और 3:1 का गुणा 3:1 से करते, तो यहां 9:3:3:1 आ जाता। लेकिन यहाँ कुछ और क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जोड़ा कैसा है, अपूर्ण प्रभाव। देखो कितना शानदार तरीका, चुटकियों में इतना बड़ा सवाल हल हो गया। ऐसे ही मैं कहूँ, अगर जीन प्रारूप, जीनोटाइप की बात करूँ मैं आपसे, तो जीनोटाइप की बात करूँगा तो पूर्ण प्रभाविकता के केस के अंदर जीनोटाइप क्या आता है भाई, कंप्लीट डोमिनेंस में तो जीनोटाइप 1:2:1 ही आता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविकता की स्थिति में भी 1:2:1 ही आता है। अपूर्ण प्रभाविकता में लिखा हुआ है, देखो अपूर्ण प्रभाविकता में 1:2:1, और मेंडल के अनुसार भी 1:2:1 ही आता है जीन प्रारूप, तो गुणा करोगे तो आप समझ ही गए, 1:2:1, 2:4:2, और फिर 1:2:1, ये आ जाएगा इसका जीन प्रारूप, जीनोटाइप, और ये हमारे आंसर हो गए दोनों। ये देख लो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता अगर आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी वाला रूल नहीं पता होता, संयुक्त प्रायिकता निकालने वाला, वो रूल पता है, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण, इतना शानदार क्वेश्चन की वैरायटी है। ये इजीली सॉल्व हो गया कि नहीं, अलग अलग टुकड़ों में वाकई कर दिया। चलिए खैर, ये सहप्रभाविकता भी खत्म हो गई। अब फटाफट से अपन एक तीसरी चीज़ और पढ़ लेते हैं, और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। साइड में हट रहा हूँ, पॉज करके इसको नोट कर लो। 5 हैं वैसे तो पूरी घटनाएं, पर 5 आज एक लेक्चर में हो नहीं पाएंगी, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे हर एक में, तो ऐसी स्थिति में है। क्वेश्चन अगर अपन साथ में करते चल रहे हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रारूपिक प्रकार के प्रश्न, तो फिर वक्त और लगेगा। तो इतना लंबा ऑनलाइन लेक्चर करने से अच्छा है कि हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं बच्चों, एक ही बार। देखें, आराम से देखें, 3 नंबर, बहु प्रभाविता, बहु प्रभाविता को इंग्लिश में बोलते प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म या बहु प्रभाविता क्या है? जब एक जीन या वन पेयर ऑफ अलील, समझ में आई बात, एक जीन में एक अलील का पेयर की बात कर सकते हैं अपन, क्योंकि समझात गुणसूत्र होंगे हमारे अंदर। एक से अधिक लक्षणों को, यानी कि कैरेक्टर्स को क्या करे, नियंत्रित करे। एक अलील एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करे, यह बहुप्रभाविकता है। यानी कि एक जीन, अगर बात ये मेंडल का बात कैसे, देखो मेंडल क्या बोलता था, मेंडल बोलता था वन जीन जो होता है ना, एक जीन, वो वन कैरेक्टर
एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ये बात अपन ने मेंडलवाद में पढ़ी थी लास्ट टर्म पे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस की खास बात थी कि एक जीन से एक कैरेक्टर नियंत्रित होगा, एक एलील के युग्म से या एक कारकों के जोड़े से। लेकिन यहां कह रहा है बहुप्रभाविकता में एक जीन से एक से अधिक लक्षण प्रारूप नियंत्रित होंगे, एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण, मोर देन वन कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन। ये कैसे संभव है एक से ज्यादा कैरेक्टर एक जीन से नियंत्रित हो? बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण लेता हूं मैं इसमें आपके सामने। जैसे एक उदाहरण फिनाइल कीटो यूरिया, एक डिजीज है बच्चों। ये कब होती है? जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, कोई बदलाव आ जाए किसी वजह से। तो फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज वाली जीन में उत्परिवर्तन आने से फिनाइल कीटोन यूरिया नाम का डिजीज होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में लास्ट में पढ़ेंगे। इससे देखो कौन कौन से लक्षण प्रारूप प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहला बालों का झड़ना, एक लक्षण प्रारूप हो गया। दूसरा लक्षण प्रारूप मंदबुद्धिता, मेंटली रिटार्डनेस, मंदबुद्धिता आ जाएगी उस आदमी के अंदर या औरत के अंदर। और तीसरी चीज इसमें एक चीज और, जो त्वचा है, त्वचा में वर्णकीय चकते बन जाएंगे, पिगमेंटेड पैचेस ये निर्मित हो जाएंगे। तो ये तीन तीन लक्षण प्रारूप केवल एक ही जीन में उत्परिवर्तन से हो रहे हैं, यानी एक अकेली जीन इन तीन लक्षणों का क्या कर रही थी, नियंत्रण। जब एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों का नियंत्रण करे तो इसे ही कहते हैं बहुप्रभाविता। एक और उदाहरण लेते हैं, ड्रोसोफिला जो होती है ना फल मक्खी, उस ड्रोसोफिला में वाइट आई श्वेत आंख वाला उत्परिवर्तन, यानी ड्रोसोफिला में आंख के रंग को नियंत्रित करने वाली जीन है उसमें उत्परिवर्तन हो जाए, तो देखो इससे क्या होगा, ड्रोसोफिला में आंख का जो रंग है, आंख का रंग वो क्या हो जाएगा, सफेद। एक तो सफेद रंग की ड्रोसोफिला बनेगी, आंख वाली ड्रोसोफिला। और दूसरा डी पिगमेंटेशन, जो उसकी त्वचा है या उसके अदर अन्य अंग हैं, अन्य अंग वर्णकहीन हो जाएंगे, डी पिगमेंटेशन वर्णकहीनता, अदर अंग या अन्य अंगों में वर्णकहीनता हो जाएगी, डी पिगमेंटेशन होने लग जाएगा। दो दो लक्षणों को एक ही अकेला नियंत्रित कर रहा है। जैसे इसका और एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, जैसे धात्री कोशिका एरक्ता सिकल सेल एनीमिया, धात्री कोशिका एरक्ता की स्थिति में क्या होगा, देखो एक से ज्यादा लक्षण नियंत्रित होंगे, विकृत हीमोग्लोबिन श्रृंखला बनेगी, हीमोग्लोबिन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो विकृत होगी। दूसरी बात आरबीसी कैसी हो जाएगी, सिकल शेप्ड, अभी चित्र बनाया था ना मैंने चांद के जैसी अर्धचंद्राकार, इसके अलावा उभयावतल नहीं रहेगी। तो आरबीसी की आकृति तो उसके कार्य के लिए महत्वपूर्ण थी, ऐसी स्थिति में उसका कार्य था ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन जो है वो मंद हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसमें ऑक्सीजन तनाव आ जाएगा, और ऑक्सीजन तनाव से क्या हो जाएगा, एनीमिया, एनीमिया जैसा रोग। जो इतने सारे लक्षण एक ही जीन से नियंत्रित हो रहे हैं, समझ में आई बात। ऐसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, इसी पर हम एक निष्कर्ष भी यहाँ पर निर्धारित करेंगे शानदार, क्या है वो, वो है मटर में जो मंड के कण होते हैं, मंड कणों के आकार की जीन, आकार की जीन, स्टार्च ग्रेन साइज वाला जो जीन है ना, किसमें, मटर के अंदर, जो मटर का जो बीज है उसमें मंड के कणों के आकार की बात करें तो उसके जीन की बात कर रहे हैं। वो दो लक्षण प्रारूपों को नियंत्रित करती है, वो दो फिनोटाइप्स कौन से, एक तो यही जो यहाँ लिखा है मंड कण का आकार, मंड के कण का आकार निर्धारित करेगी, और साथ में मटर के बीज की आकृति। देख लो दो दो लक्षण प्रारूपों को निर्धारित करवा रहा है। कैसे, आइए इस उदाहरण को समझते हैं।
इसी उदाहरण को यहाँ डिटेल में एक बार ले लेते हैं फटाफट से। भाई दो एलील्स के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं लक्षण प्रारूप, एक एलील तो कैपिटल बी है और दूसरा एलील स्मॉल बी है, ये एलील हैं, इन एलील्स के द्वारा नियंत्रित हो रहा है ये लक्षण जो भी हैं दोनों लक्षण प्रारूप। सीन क्या होगा, अगर दोनों एलील्स कैपिटल बी के रूप में आते हैं तो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनेगा, तो जो मंड का कण है वो कैसा होगा, शाखित होगा। मंड कण में अगर खूब शाखन होगा तो कैसा होगा, वो बड़ा मंड कण बनेगा, बड़ा मंड कण बनेगा इस टाइप का। और जब मंड का कण बड़ा होगा तो मटर के बीज में ये बड़े बड़े जो स्टार्च के ग्रेन आएंगे इसके कारण मटर के बीज का जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, गोलाकार, राउंड, गोलाकार बीज, गोलाकार बीज हो जाएगा मटर का, राउंड सीड बनेगा। तो देखो मटर के बीज की आकृति भी निर्धारित हो रही है इसी जीन से, और इसी से मंड के कण का आकार भी निर्धारित हो रहा है, दोनों लक्षण प्रारूप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो अब मैं ले लेता हूं संयुग्मजी अप्रभावी वाली, क्या स्मॉल बी, स्मॉल बी, तो जो मंड का कण है वो अशाखित रहेगा, उसमें ब्रांचिंग होगी ही नहीं, ब्रांचिंग नहीं होगी तो मंड का कण का जो आकार है वो कैसा रह जाएगा, छोटा मंड कण, स्टार्च ग्रेन जब छोटा रह जाएगा तो ऐसा दिखेगा, और जब ऐसे कण मटर के बीज में आएंगे तो आप समझ ही जाओ मटर का जो बीज है उसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, पिचका हुआ और इस तरीके का, जिसे बोलेंगे अपन झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज, रिंकल्ड सीड बनेगा। देख लो भाई इसी एक ही एलील के युग्म ने एक फिनोटाइप और दूसरे दोनों, पहला लक्षण प्रारूप ये दूसरा लक्षण प्रारूप, ये देखो यहाँ ये पहला लक्षण प्रारूप ये दूसरा, दो दो लक्षण प्रारूपों को निर्धारित कर रही है एक ही जीन। इसी जीन में अगर विषम युग्मजी अवस्था आ जाए तो अब समझना एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर अग्रसर है अपन, जो मंड कण है ना, मंड का कण, उसमें शाखन कम होगा, कम शाखित होगा, तो लेस ब्रांचड होगा, क्यों, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था कि इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविकता होती है, यानी कि ये जीन तो चाहेगा कि मैं शाखन करूं और ये चाहेगा कि शाखन ना हो, तो ये फिर भी जीत जाएगा लेकिन ये उसके शाखन को कम करवा देगा तो कम शाखन होगा। तो ऐसी स्थिति में बीच का फिनोटाइप मिलेगा, बीच वाले को अपन बोलेंगे मध्यवर्ती आकार का मंड कण, मध्यवर्ती मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा ऐसा बनेगा कहीं ना कहीं। और जब इस साइज के स्टार्च ग्रेन अगर मटर के सीड के अंदर आएंगे तो भी बच्चों मटर के सीड का जो शेप है, जो आकृति है, वो कैसी बनेगी, गोलाकार बीज, तो भी वो राउंड हो जाएगा, बीज कैसा हो जाएगा, गोलाकार। यानी एक लक्षण प्रारूप ये रहा, दूसरा लक्षण प्रारूप, दोनों एक ही जीन ने दर्शाई है। सबसे पहले तो यहाँ बहुप्रभाविकता सिद्ध हो रही है कि नहीं, क्योंकि ये जो जीन है ये कितने लक्षण प्रारूपों को निरूपित कर रहा है, दो। देखो पहला लक्षण प्रारूप तो ये रहा, लिख देता हूँ यहाँ लक्षण प्रारूप नंबर एक, और दूसरा लक्षण प्रारूप ये रहा हमारे सामने जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, सीड के शेप की, तो फिनोटाइप, यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं लक्षण प्रारूप नंबर दो। दो लक्षण प्रारूपों को एक अकेला जीन का युग्म जो है वो नियंत्रित कर रहा है, इसलिए बहुप्रभाविकता का तो उदाहरण है ही ये। अब यहां से एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। कैपिटल बी आता है तो प्रभावी लक्षण प्रारूप आ रहा है, स्मॉल बी आ रहा है तो अप्रभावी लक्षण प्रारूप आ रहा है, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है तो लक्षण प्रारूप एक के अंदर बीच का लक्षण प्रारूप आ रहा है मध्यवर्ती, यानी वो दोनों पैतृकों से समानता रख रहा है, छोटा भी है और बड़ा भी है। वहीं पर यदि मैं इसकी बात करता हूं इसकी फिनोटाइप नंबर सेकंड की, तो फिनोटाइप नंबर सेकंड में क्या होगा बच्चों, फिनोटाइप नंबर सेकंड के अंदर कैपिटल बी गोल बीज बनवा रहा है, स्मॉल बी झुर्रीदार, लेकिन विषम युग्मजी अवस्था में फिर से गोलाकार बीज, यानी F1 संकर प्रभावी पैतृक के जैसा लक्षण प्रारूप दर्शा रहा है। इसका मतलब ये जो लक्षण प्रारूप है, लक्षण प्रारूप नंबर दो, ये तो मेंडल के अनुसार क्या दर्शा रहा है, प्रभाविकता के नियम को, प्रभाविकता दर्शाता है, और वो भी कैसी प्रभाविकता, पूर्ण प्रभाविकता, मेंडल की तरह, किसकी तरह, मेंडलवाद, जो मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया था बिल्कुल उसकी तरह दर्शा रहा है ये तो निष्कर्ष को। लेकिन इसके अंदर क्या दर्शा रहा है, ये
अपूर्ण प्रभाविकता। देखो मध्यवर्ती प्रकार का लक्षण प्रारूप मिल रहा है, विषम युग्म जी स्थिति में, वो दोनों पैतृकों में समानता दर्शा रहा है। और यदि बात अपूर्ण प्रभाविकता की करें तो ये मेंडलवाद का क्या है, अपवाद है, प्रभाविकता का अपवाद हो गया, अपवाद ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविकता का। तो अपूर्ण प्रभाविकता और पूर्ण प्रभाविकता दोनों तरह की चीजें एक ही जीन के द्वारा शो हो रही हैं। तो एनसीईआरटी की एक सबसे शानदार लाइन, आज के दिन का आखिरी पॉइंट है ये, फटाफट से सुन लो, बहुत प्यारी लाइन है जो बहुत कम समझ में आती है। क्या कि जो प्रभाविता है ना, प्रभाविकता किसी जीन या उस जीन के उत्पाद का स्वायत्त लक्षण नहीं है, अपितु प्रभाविकता क्या है, अब समझना ये इंपॉर्टेंट बात है, अपितु वह जीन उत्पाद द्वारा नियंत्रित होने वाले अब सबसे शानदार वर्ड आ रहा है लक्षण प्रारूप यानी कि फीनोटाइप पर निर्भर करती है। यह एनसीईआरटी की बहुत शानदार लाइन है, बहुत कम समझ में आती है लेकिन अब हम यहां इसको बहुत प्यार से समझ सकते हैं। देखो ये लाइन क्या कह रही है, इसको घने आसमानी बादलों में बंद कर दिया जाए। ये लाइन कह रही है कि यार डोमिनेंसी या प्रभाविकता, प्रभाविकता में तीन चीजें आ गई, पूर्ण प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता या सह प्रभाविकता, किसी जीन या उत्पाद का स्वायत्त गुण या स्वायत्त लक्षण नहीं है। मतलब मैं किसी जीन को देखकर ये नहीं कह सकता, एलील्स को देखकर ये नहीं कह सकता कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट है या को डोमिनेंस है, ना उस जीन के उत्पाद को देखकर मैं ये कह सकता। देखो इस जीन का उत्पाद है मंड कणों का शाखन होना यानी मंड के कण, लेकिन फिर भी इसमें पूर्ण प्रभाविकता प्रदर्शित हो रही है कि नहीं, जीन को देखकर मैं कह ही नहीं सकता। मैं प्रभाविकता कैसे निष्कर्ष करूं कि वो पूर्ण है कि अपूर्ण है कि वो सह है, इसको देखने के लिए मुझे किसे चुनना पड़ेगा, उस जीन के उत्पाद के द्वारा क्या नियंत्रित हो रहा है, जो लक्षण प्रारूप। अब समझना ध्यान से, अगर मैं लक्षण प्रारूप आपको कहूं कि कैपिटल बी स्मॉल बी एलील युग्म के द्वारा क्या प्रदर्शित होगा, पूर्ण अपूर्ण या सह प्रभाविकता, ऑप्शन में दे दिए, यदि मेरा जो लक्षण प्रारूप है वो है मटर के बीज की आकृति, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, फिनोटाइप अगर आपको दे दिया तो आप खुद कह दोगे ये कैपिटल बी स्मॉल बी जो है पूर्ण प्रभाविकता दर्शाएगा मेंडल के अनुसार, खत्म हो गई बात, लेकिन इसे देखकर नहीं बता सकते आप, वो पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। मैं कहूं कि कैपिटल बी स्मॉल बी एलील युग्म निम्न में से क्या दर्शाएगा, पूर्ण अपूर्ण या सह प्रभाविकता, कुछ नहीं बता सकते आप, इतना ही कहूं केवल, क्योंकि आपको जीन तो दे दिया, एलील का युग्म दे दिया, फिर भी नहीं बता पाओगे आप। मुझे क्या शर्त देनी पड़ेगी, लक्षण प्रारूप बताना पड़ेगा। यदि मेरा लक्षण प्रारूप है मंड के कण का आकार तो बताओ कैपिटल बी स्मॉल बी क्या दर्शाएगा, आंसर है अपूर्ण प्रभाविकता। यदि प्रभाविकता का निर्धारण जीन या उत्पाद को देखकर नहीं कर सकते आप, वो किससे करोगे आप, लक्षण प्रारूप को देखकर, यही यहां से सिद्ध होता है और यही आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच। तीन इंपॉर्टेंट एलीली अन्योन्य क्रियाएं पढ़ ली अपन ने, नेक्स्ट टर्न पे अपन बहुजीनी वंशागति मल्टीपल एलिलिज्म और साथ के साथ में घातक प्रभाव पढ़ेंगे और नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।